ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए अप्रैल 22 to 30 क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो हेल्थ के लिए एक अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है वर्गो, अचीवमेंट, हेल्थ एंड अचीवमेंट। सो एंजॉय द लाइमलाइट। एंजल्स कह रहे हैं कि जो आपने अपने आप मेहनत की है, अब आपको ऐसा लगता है उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, अचीवमेंट। तो अब कोई स्मॉल या बिग अचीवमेंट हो सकती है, ठीक है। और हाँ, लेकिन हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना भी और दूसरों का भी। आपके अराउंड जो लोग हैं, हो सकता है कि किसी की हेल्थ है जो आपको कंसर्न कर सकती है, बट यू हैव टू टेक केयर। और अपनी हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। मेनी न्यू फ्रेंडशिप्स आर ऑन द हॉरिजोन। सो आपके कई नए दोस्त बन सकते हैं, और कई नए रिश्ते बन सकते हैं। ऑफ कोर्स, अब वो वर्क प्लेस पे हो सकता है या वैसे ही जनरल इन लाइफ। असर्ट योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं गो फॉर व्हाट यू वांट, द टाइम इज राइप फॉर अ सोलमेट एज वेल। कनेक्शंस के लिए टाइम अच्छा है, सोलमेट कनेक्शंस के लिए टाइम अच्छा है। और आप जो चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए और वो कीजिए। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो, कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है फैमिली में, वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है। सो ऑल इन ऑल सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी। लव लाइफ, अफेयर्स ऑफ द हार्ट। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आने वाला टाइम हेल्थ वाइज अच्छा है, अचीवमेंट के लिए अच्छा है। और आपकी खुद आप अगर कुछ, आपकी सोच है, आप कुछ करना चाह रहे हैं, स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी अगेन टाइम अच्छा है। ओके, स्पेशली सोलमेट एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं एंजल्स लव लाइफ के बारे में। पहले ये देख लेते हैं। सो वर्गो, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दीजिए। आपके अराउंड लोग हो सकते हैं या कॉमन सम पीपल अराउंड यू। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैरिड हैं या ऐसा कोई कनेक्शन, एंगेजमेंट का भी कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बातें ठीक हो सकती हैं, अगर आप उनको करना चाहें तो, अगर आप विलिंग हैं तो। ऑफकोर्स रिलेशनशिप जो है वो आपका अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो या तो माफ़ कर दीजिए, माफ़ी दे दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए। और कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पेरेंट्स, कि आपके पेरेंट्स, यू नो, आपके माइंड में कुछ चल रहा है अपने पेरेंट्स को लेके भी, तो उनको भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। यू नो, आपके अराउंड लोग हो सकते हैं, आपके वेल विशर्स भी होते हैं ना कई बारी, जो सामने बार बार आके किसी ना किसी वे में आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है आप इग्नोर कर देते हो। तो लोगों को क्लोजली वॉच करना सीखिए, लोगों को देखिए कि कौन आपका वेल विशर है, कौन एक्चुअली में लाइक आपका भला नहीं चाहता है, तो वो आपको देखना है। बट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि देर आर लॉट ऑफ पीपल दैट कैन हेल्प यू, जो आपके सच में वेल विशर हैं, इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप को सेव करने में, प्रोटेक्ट करने में आपकी मदद करते हैं। और मे बी इट्स अबाउट योर एंजल्स एज वेल, डिवाइन यू नो इंटरवेंशन एज वेल। तो एंगेजमेंट आप कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स हो सकता है कि इट्स अबाउट कि सोलमेट एनर्जी आई है, तो ये टाइम अच्छा है कि आप अपने अपने पार्टनर से, अगेन कॉलिंग इन योर सोलमेट। हो सकता है कि आपकी प्रेयर्स, आपकी एफर्मेशंस रही हैं, तो फाइनली आपका वो सोलमेट आ रहा है जो आप चाह रहे थे। तो ऐसी एनर्जीज हमें आपकी लव लाइफ में दिखाई दे रही हैं। सो सिंगल्स के लिए भी ये सब कुछ है, और मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ आपको कि सिंगल्स के लिए भी होता है। पूरा अपना सुना करो, क्योंकि उसमें सिंगल्स के लिए भी हमेशा मैं बोलती हूँ, ठीक है, सिंगल्स या इन रिलेशनशिप, मैरिड। ओके, चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि वर्गो का करियर कैसा रहेगा ऑन अ कमिंग वीक। सो यहाँ हमें ग्रोथ दिखाई दे रही है, द एम्प्रेस एनर्जी। सो आई थिंक वी आर डूइंग वंडरफुल, और ग्रोथ दिखाई दे रही है, चेंज दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा लगता है कि आपके फेवर में हो रही हैं चीज़ें। ऑफ कोर्स इट्स अबाउट
आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है आपके हक में, अगेन अचीवमेंट का कार्ड आ चुका है, तो इट्स ऑल अबाउट अचीविंग समथिंग. ओके, ऑफ कोर्स ये टाइम आपके लिए अच्छा है, इस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और इट इज़ वेल डिज़र्व्ड. मुझे ऐसा लगता है यू डिज़र्व इट. ये जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ओके, आपके करियर में आती हुई दिखाई दे रही है. ओ माई गॉड, और आप क्या चाहते हैं, आपके सो मच बेटर फाइनेंसेस, बेटर जॉब प्रोफाइल, ये सब दिखाई दे रहा है इस हफ्ते. तो आई थिंक आप अगेन अपना जो माइंड सेट है वो बिल्कुल अपने क्लियर रखिए दैट यू वॉन्ट दिस, और वही चीज़ आपके करियर में सामने आ रही है. तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वंडरफुल थिंग, जो कर रहे हैं करते जाइए. ऑफकोर्स इस चीज़ में आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का, जो जो आपकी केयर करते हैं उनका भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, और अपना काम ईमानदारी से करते जाइए. आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, और एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर योर, ऑफकोर्स फॉर योर करियर. चलिए और देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन. सो आपको क्या करने की ज़रूरत है, लेट अस फाइंड आउट. प्रिजर्वेरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू. यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ एक आ सकती है, और वो ये है कि आपको लगे अरे कुछ हो नहीं रहा है, या कुछ दिख नहीं रहा है सामने से, या नथिंग इज़ हैपनिंग, सिर्फ बस वो प्रॉब्लम है. अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि एंजल्स कह रहे हैं कि ये जो पीरियड ऐसा है अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर करियर, ये पीरियड ऐसा है कि जिसमें आप कुछ भी चाहें तो अचीव कर सकते हैं. बेटर हेल्थ, बेटर फाइनेंसेस, बेटर जॉब प्रोफाइल, रिलेशनशिप्स एज वेल. ओके, तो कुछ बचा नहीं है. दैट मीन्स कि आपका क्या है, आपका विजन क्लियर हो, आप जिस चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नेगेटिव, कि आप नेगेटिव साइड के बारे में सोच रहे हैं, और एक होता है पॉजिटिव. ठीक है, तो नेगेटिव साइड के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे तो वो तो ये बहुत मुश्किल है, ये टफ जॉब है. बट यहाँ एंजल्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि यू कैन डू इट, वट एवर यू सेट योर माइंड ऑन. ठीक है, कि आप जिस चीज़ पे, ऑफ कोर्स इन अ हेल्दी वे, इन अ पॉजिटिव वे, ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपना फ़ायदा करने के लिए. ठीक है, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद ऊपर उठने के लिए. तो ये दो बातें अलग अलग हैं काफ़ी, और उसमें एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, एंड दे आर देयर विद यू. सो व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटिफुल एनर्जी मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर ऑल द वर्को पीपल, एंड इट्स अ गुड थिंग. और अपना काम बस करते जाइए, एंड मुझे सब कुछ पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है. ऑफ कोर्स चलिए एक कार्ड और देख लेते हैं. लेट गो कीजिए, एंजल्स कह रहे हैं वॉक अवे. वॉकिंग अवे फ्रॉम व्हाट? वॉकिंग अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, वॉकिंग टू द पॉजिटिविटी. इट्स अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए अच्छा टाइम है. ठीक है, बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रहना, एंड Some people will watch you walk away, of course. जिन्होंने कदर नहीं की तो obviously वो देखेंगे, और जो कदर कर रहे हैं ऑफ कोर्स उनकी तरफ आगे बढ़िए, स्टेप फॉरवर्ड कीजिए. बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है. इट्स पीरियड ऑफ ब्लॉसम, आई थिंक पीरियड ऑफ ब्लॉसम, यू आर ऑल्सो ब्लॉसमिंग. पिंक एनर्जी, अब वो लव से रिलेटेड हो सकती है, और मे बी अ न्यू कॉन्फिडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू. सो अच्छी एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रेक से निकल रहे हैं, वैसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है. अब वो किसी भी उसमें अप्लाई हो सकता है, चाहे आपके रिलेशनशिप्स को लेके हो या करियर को लेके. मे बी यू हैव फेस्ड इट. तो दिस इज़ इट, दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू. और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन टेक केयर.